यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है। अखिलेश ने आज अपने दो मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया और इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को भी बर्खास्त कर दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अखिलेश सरकार दबाव में थी। माना जा रहा है कि इसी के चलते राज्य सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास भी पहुंची थी, जिसे बड़ी बेंच ने खारिज कर दिया था। और अब मुख्यमंत्री अखिलेश ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया है। वही पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। अखिलेश यादव ने एक घंटे के अंदर दो मंत्रियों पर गाज गिराकर यूपी की सियासत को गर्मा दिया है। चुनाव से पहले अखिलेश के इस कदम के राजनीतिक मायने सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश ऐसा करके जनता के बीच अपनी पार्टी की छवि साफ सुथरी बनाए रखना चाहते हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।